So I done around 20 km in 35 minutes. So hello everyone, welcome back to the channel. It's around 6 in the morning and right now I'm going for a ride to Pinjore Gardens. That is around 35 km from my home. So today as I was going for a ride, so मैंने सोचा मैं ride करता हूँ as well as मैं अपनी bike Jarvis, that is Suncross Exciter 2.0, उसका एक review video बना लेता हूँ क्योंकि मुझे 1.5 years हो चुके हैं. So why not I make a video जिसमें मैं इसके सारे features और इसके सारे pros और cons आपको बता दूँ, so that अगर आपने bike लेनी हो in the budget of around 34K, so आपको ऐसा ना हो कि मैंने बाइक ले ली बट उतनी वर्थ इट नहीं है. सो हेयर इज़ माई बाइक Jarvis. सो मेरी Jarvis से काफ़ी मेमरीज है, मैंने काफ़ी सेंचुरी राइड्स की हैं, एक डबल सेंचुरी राइड भी की थी, काफ़ी हाफ राइड्स भी किए हैं, मतलब हाफ सेंचुरी राइड्स, और मैं 40 किलोमीटर तो वैसे ही रेगुलरली राइड करता हूँ. सो मैंने इसको अराउंड पता नहीं मुझे मैंने कितना राइड किया पर काफ़ी कर लिया कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी क्या प्रोज है या कौनस है. मुझे एक दो बार थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई थी इसमें, मुझे थोड़े इसके पार्ट्स चेंज करवाने पड़े थे. सो इस वीडियो में हम सारी डिस्कस कर लेंगे और आपको मैं बता दूंगा कि ये कितनी ड्यूरेबल है अगर आपने लॉन्ग राइड करनी हो, अगर आपने फैट लॉस करना हो तो ये बाइक कितनी इफेक्टिव है. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो इट्स अराउंड 7 इन द मॉर्निंग एंड राइट नाउ आई हैव डन अराउंड 10 किलोमीटर फ्रॉम द लास्ट पॉइंट. जितनी देर में आपने इंट्रो देखी मैंने 10 किलोमीटर कर ली है. आई एम जस्ट 2 or 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गार्डन्स. मैंने एक बनाना ब्रेक ली थी क्योंकि मुझे बनाना खाने से थोड़ा रिफ्यूलिंग का मेरे का वो मन हो रहा था कि थोड़ा रिफ्यू कर लेना चाहिए अब और थोड़ा वाटर ब्रेक भी ले लेनी चाहिए क्योंकि मैं कंटिन्यूसली अराउंड 30 किलोमीटर तो मैंने राइड की है. सो आज वेदर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांति भी है, ट्रैफिक है थोड़ा बट फिर भी काफ़ी अच्छा है. ट्रैफिक होना या ना होना अलग बात है बट वेदर अच्छा होना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मी हो जाएगी और इस टाइम पर राइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. बट आने वाले टाइम में ही मैंने थोड़ी सी लॉन्ग राइड्स प्लान की हुई हैं. सो इस वीडियो के एंड में हम डीकैथलॉन भी जा रहे हैं, हम वहाँ पर शॉर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे कि हमें कौन सी शॉर्ट्स लेनी चाहिए, कौन सी लॉन्ग राइड्स के लिए अच्छी हैं क्योंकि मेरे को लॉन्ग राइड करनी है तो मैं थोड़ा अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ शॉर्ट्स में. राइट नाउ द शॉर्ट्स आई एम यूजिंग आर ऑफ 800 और मैं थोड़ा अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग राइड्स में शॉर्ट्स काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वही डिसाइड करती है कि हमें कितना कम्फर्ट मिलेगा राइड पर. Guys, I finally reached at the Pinjore Garden. Here you can see this is the Pinjore Garden. Now let's start the review of our bike, that is Suncross Exciter 2.0. So I'm start karte from the front side of the bike, that is the frame. The frame is of aluminium aur frame kafi lightweight hai. I must say ispe aaj tak koi bhi rust nahi aaya, ispe koi bhi jo aap bend nahi aaya. Aap maine isko kafi roughly ride kiya hai, maine jaise hills mein ride kiya hai to thoda sa off road bhi aaya hai. थोड़ा मैंने जब मैं सिसवा डैम गया था, आपने शायद ब्लॉग देखा हो, तो वहाँ पर काफ़ी ऑफ रोड था, मैंने ऑफ रोड किया, कोई भी इसमें बैंड नहीं आया. इसका जो फ्रंट फोक है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ एल्यूमिनियम और उसको भी कोई भी बैंड नहीं आया और बिल्कुल जो बाइक का फ्रेम है बिल्कुल गुड कंडीशन में अभी भी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द गेयर शिफ्टर्स. हमें इसमें क्लैरिस गेयर शिफ्टर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल हैं और काफ़ी ड्यूरेबल हैं. आई मस्ट से मेरा एक क्रैश हुआ था इन सितंबर ऑफ लास्ट ईयर, तो मेरा हेड ऑन कलिजन हुआ था. मैं एक्चुअली राइड कर रहा था और सीवेज में मेरा फ्रंट टायर चला गया और मैं फ्लिप करके गिरा तो मेरा जो हैंडल बार है वो बिल्कुल ग्राउंड पर बजा और जो हैंडल बिल्कुल उस टाइम बेंड हो गया था, मतलब जो हेडसेट होता है उसमें जो हमारे स्क्रूज होते हैं वो थोड़े से लूज़ हो गए थे उसकी वजह से. पर मेरा जो ये हैंडल बार है वो अभी भी बिल्कुल सही कंडीशन में है. जिस पर हैंडल बार टेप है वो जो स्टॉक के साथ आती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो अच्छी नहीं होती. वो आपको ना एक या दो मंथ के बाद चेंज करानी पड़ेगी. आपको अच्छी जैसे मैंने अभी चेंज करी हुई है, मेरी जो स्टॉक में आती है वो रेड कलर की आती है ज़्यादातर जगह पर, कहीं कहीं पर ब्लैक भी आती है. सो ये मैंने अपनी अलग से ली थी और ये मैंने ली थी अराउंड 1500 की और मैंने खुद ही लगाई थी. बट जो गेयर शिफ्टर्स हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल हैं, अगर एक क्रैश के बाद भी इनकी ये कंडीशन है सो आई मस्ट से कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द ब्रेक ऑफ द बाइक. द ब्रेक्स आर फ्रॉम द प्रो मैक्स और वो काफ़ी कंफर्टेबल ब्रेक्स हैं और काफ़ी ड्यूरेबल हैं. आपको जो ब्रेक पैड्स मिलते हैं वो उतने ड्यूरेबल नहीं हैं क्योंकि वो आपको चेंज करने पड़ेंगे या फिर आप अगर राइड का आपके राइड के हिसाब से वैसे डिपेंड करता है क्योंकि मैं काफ़ी रफ राइड करता हूँ, मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ, हिल्स में राइड करता हूँ तो जो डाउन हिल होता है उसमें काफ़ी यूज़ होती हैं ब्रेक्स. तो मेरे ब्रेक पैड्स चले थे अराउंड 5 या 6 मंथ, उसके बाद मुझे चेंज करना पड़ा था. अभी मैंने ये जो ब्रेक पैड्स लिए हैं ये मेरे सेकंड ब्रेक पैड है, वैसे तो ये अब देख लो 1.5 ईयर हो चुके हैं और मेरे सेकंड ब्रेक पैड्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ सैडल. इसकी सैडल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है. मैं आपको अगर इसकी कंडीशन दिखाऊँ तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे एक न्यू बाइक की होती है, इसको लगेगा ही नहीं कि ये 1.5 ईयर ओल्ड है. नहीं तो ना काफ़ी सैडल्स होती हैं वो या तो काफ़ी वाइड होती हैं या काफ़ी वो थिन होती हैं, मतलब वो या तो आपको पेन देती हैं
या फिर ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं तो आपको लेजीनेस फील होती है, बट ये सैडल बिल्कुल एक्यूरेट है। मैंने जैसे अब काफ़ी राइड्स की हैं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। और जो सैडल का सीट पोस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, दैट इज़ ऑल्सो एल्यूमिनियम। और उसके मेरे को थोड़े स्क्रैचेस पड़ गए थे, वो भी मेरी गलती से पड़े थे क्योंकि मैंने एक बार इसको थोड़ा सा गलत जगह पे खड़ा दिया था, क्योंकि मेरी बाइक में स्टैंड नहीं है, हम रोड बाइक्स में स्टैंड नहीं यूज़ करते, तो मैंने एक जगह पे इसको ऐसे खड़ा दिया तो गिर गई थी, थोड़ा स्क्रैचेस आ गए थे। बट अदरवाइज़ जो इस पूरी बाइक का जितना भी आपको मेटल है, जितना भी एलुमिनियम है, उस पर मेरे कहीं पर भी रस्ट नहीं आया, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सनक्रॉस की बाइक्स का यही कहा जाता है कि इन पर रस्ट आ जाता है जल्दी। बट मेरी बाइक पे थैंक गॉड अभी तक रस्ट नहीं आया है, या फिर आपकी अगर मेंटेनेंस अच्छी हो, मैं इसकी मेंटेनेंस ऐसे करता हूँ कि मैं एक या दो वीक के बाद इसको वॉश कर देता हूँ, ल्यूब कर देता हूँ। सो आप भी एक या दो वीक के बाद अगर अपनी बाइक को मेंटेन करके रखो सो आपकी बाइक लॉन्ग लाइफ चलेगी, जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी बार कहा है। द रिम्स इन दिस बाइक आर ऑफ एलुमिनियम एंड द साइज़ दैट इज़ अराउंड 700x25C। सो जो टायर्स हैं दैट आर ऑल्सो फ्रॉम कैंडा कंपनी, और वो टायर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, मस्त से इन पर काफ़ी कम पंक्चर आता है। जैसे मैंने 1.5 ईयर इसको राइड कर लिया तो मेरे को अराउंड 4 या 5 टाइम्स अभी तक पंक्चर आया होगा, और मैंने जैसे जैसे जगह पर राइड किया है मुझे लगता था कि आज तो पंक्चर हो गई, बट फिर भी मैं बच जाता था। सो द टायर क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, और कैंडा के टायर्स मैं जितना मेरे को अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे मैं बाइक सजेस्ट करता हूँ लोगों को, तो मैं देखता रहता हूँ कि क्या चीज़ अच्छी, क्या अच्छी और क्या बुरी है। सो जो कैंडा के टायर्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, मस्त से, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। एंड द बेस्ट फीचर ऑफ दिस बाइक इज़ द इंटरनल वायरिंग ऑफ द ब्रेक्स एंड गियर्स। यस, ये फीचर काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। बाइक को अराउंड 1.5 ईयर चुके हैं तो अभी तक कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई मुझे कि जो वायर्स हैं वो बेंड हो रही हैं या उन पर कोई भी स्ट्रेन आ रहा है, ऐसा कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। मैंने वायर्स को चेंज कराया था अराउंड 1 ईयर के बाद, क्योंकि तब तो वैसे भी करा लेना चाहिए, जो आपके गियर्स हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, उनकी जो हेल्थ, उनकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। सो मैंने वायर चेंज करवाई थी क्योंकि मेरी अभी जो एक राइड भी आई थी जो मैंने जनवरी में की थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेस थी, तो मैंने उससे पहले अपनी जो वायर चेंज करवा ली थी। द गियर सेट दैट वी गेट इन दिस बाइक आर फ्रॉम शिमानो क्लैरिस, और ये गियर सेट काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। जैसे मेरी फर्स्ट रोड बाइक है तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि एक न्यू रोड बाइक है तो मुझे यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी, मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई। अगर आप न्यू भी हो रोड बाइक के लिए तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट बाइक होगी। वी गेट एलुमिनियम पैडल्स इन दिस बाइक, और ये पैडल्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और काफ़ी ग्रिपी हैं। ये पैडल्स को जैसे 1.5 ईयर हो चुका है तो कोई भी मेरे प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी रस्ट नहीं इन पे, और जो क्वालिटी वो बिल्कुल न्यू की तरह ही है। मैंने एक बार इसको क्रैश भी किया था, मैं राइट साइड पर टर्न ले रहा था और मेरा स्लिप हो गया था टायर, तो मेरा क्रैश हुआ था, बट फिर भी थोड़ा सा बेंड आया पैडल में, ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं आया। सो दीज वर द फीचर ऑफ दिस बाइक, मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए और सारे फीचर क्या क्या उनके अच्छी क्वालिटी है, क्या क्या बुरी क्वालिटी है वो आपको बता दी है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई है जो लास्ट 1.5 ईयर में इस बाइक। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई गॉट इन दिस बाइक वॉज कि जब मैंने ये बाइक को न्यू लिया था, मुझे हुए थे अराउंड 4 या 5 मंथ ही हुए थे अभी, और मेरी बाइक का रेयर हब है वो बिल्कुल जाम हो गया था। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, शायद मैंने वॉश गलत किया, या उसके अंदर पानी चला गया था, या मैंने WD-40 यूज़ किया उसकी वजह से हुआ, या शायद जो पीस था वो डिफेक्टिव था, क्योंकि अभी उसको सिर्फ 4 या 5 मंथ ही हुए थे उस टाइम पे। क्योंकि अगर आपकी न्यू बाइक होती तो आप उतना राइड नहीं करते हो, सो बट फिर भी पहले 5 या 4 मंथ में ही इसका जो रेयर हब है वो बिल्कुल जाम हो गया था। वो चेंज हुआ क्योंकि उस टाइम पे वारंटी में थी बाइक, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ। सो सनक्रॉस काफ़ी अच्छा ब्रांड है इस बात में कि वो आपके जो सारे पार्ट्स हैं वो चेंज कर देते हैं। आजकल स्टॉक काफ़ी कम हो रहा है बाइक का, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट उस टाइम में 2019 में तो तब इतना जो साइकिलिंग का क्रेज़ नहीं था, तो काफ़ी इजीली हमें सारा जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो मिल जाते थे। सो उस टाइम पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, बट फिर भी न्यू बाइक में प्रॉब्लम आना थोड़ा दिल पर लगता है, क्योंकि न्यू बाइक होती है तो हमें कोई भी छोटी मोटी भी स्क्रैच भी आ जाए तो कितना बुरा लगता है। और मेरा जो रेयर हब है वो बिल्कुल जाम हो गया था, मैं राइड करता था तो चेन अपने आप ही ऐसे शॉक कर रही थी, जो हमारा ये रेयर क्रैंक सेट है वो बिल्कुल अपने आप ही ऐसे रुक जाता था, तो चेन उतर जाती थी या फिर वो ऐसे बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाती थी। बट अदर देन दैट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में, बाइक बिल्कुल स्मूथ है, और मैं फिर से कह रहा हूँ जैसे 1.5 ईयर हो चुके हैं तो बाइक बिल्कुल न्यू की तरह ही अभी लगती मुझे। तो अगर मुझे इसको सेल करना हो तो काफ़ी अच्छा मुझे प्राइस मिल सकता है, क्योंकि एक तो वैसे ही इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, जब मैंने इसको लिया था दैट वाज अराउंड 28K, और अब इसका हो चुका है अराउंड 34K। सो लॉकडाउन के बाद काफ़ी इसमें इंक्रीज़ हुए प्राइस में, या फिर पता नहीं डिमांड इसकी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है बाइक। द हेडसेट दैट वी गेट इन दिस बाइक इज़ फ्रॉम द कंपनी निको, और वो काफ़ी अच्छा हेडसेट है। हेड ऑन कोलिजन क्रैश हुआ था, सो मेरा जो हैंडल बार है वो बिल्कुल फ्रंट की तरफ से बिल्कुल बैंड हुआ था, बट जो इसका हेडसेट है उस पर बिल्कुल भी बैंड नहीं आया,
उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल, वो अभी भी बिल्कुल न्यू की तरह है। तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही मस्त है, क्योंकि मेरा वेट है अराउंड 74 kg। सो अगर मेरा क्रैश हुआ तो मेरा जो सारा वेट था वो हैंडल बार पे था उस टाइम पे। तो हैंडल बार की तो काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी, बिल्कुल बेंड हो गया था। बट जैसा मैंने कहा, जो हेडसेट में स्क्रूज़ होते हैं उसको थोड़ा लूज़ कर मैंने इसको सेट किया बाद में। और जो मेरे आगे वाले दो शिफ्टर्स हैं उनका जो मिरर टाइप होता है वो भी बिल्कुल क्रैक हो गया था। अदरवाइज़ शिफ्टर्स भी अभी बिल्कुल ठीक है, और जो हेडसेट है वो भी ठीक है, हैंडल बार भी ठीक है, हैंडल बार टेप भी ठीक है। उसी टाइम में मुझे पता लग गया था कि इस बाइक में क्वालिटी तो है, तभी मैंने इस बाइक का रिव्यू बनाया था। और उसी के बाद जब भी कोई मुझे पूछता कि आपको अगर रोड बाइक लेनी हो बजट में, दैट इज़ अराउंड 30K के अंडर, उस टाइम पे तो 28K की थी, सो मैं यही सजेस्ट करता था। अब जैसे ये 34K की हो चुकी है तो काफ़ी बाइक्स हैं जो इसके बजट में आ चुकी हैं, जैसे फायरफॉक्स एरोन 700, सनक्रॉस एसएसआर 2.0, आरसी 120 अब 39K की हो चुकी है, उसका थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। और पर आरसी 100 अभी 25K की है। सो अगर आपने बजट बाइक लेनी हो सो आरसी 100 ठीक है, एक मोन्ट्रा की सेल्टिक भी आती है, वो भी अच्छी बाइक है। बजट बाइक में अगर आपका बजट 30K से ऊपर है सो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो इस बाइक के लिए जाओ, या फिर आप फायरफॉक्स एरोन 700 के लिए जाओ, या फिर आरसी 120 के लिए जाओ। उसके अलावा आप अगर कोई बाइक सेलेक्ट करो, जैसे एक वो आती है एंड, मुझे इस बाइक का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला हुआ, मैं बिल्कुल जो अपना ऑनेस्ट रिव्यू है वो भी बता रहा हूँ आपको। जैसे मुझे प्रॉब्लम आई है एक तो मैंने बता दी आपको, मैंने कोई बात छुपाई नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मेरे को फर्स्ट 5th मंथ में मुझे प्रॉब्लम आ गई थी, सो आई तो आई, मुझे तो आपको बताना, ऑनेस्ट रिव्यू बताना है, क्योंकि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये नहीं चाहता कि वो कोई बाइक ले लें बाद में फिर वो मुझे कहें कि आपने सजेस्ट की थी और ये अच्छी नहीं है। सो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, मैं जो भी मेरे को फ़ील होता है मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जो भी आपको मैं बताऊँगा वो ऑनेस्ट रिव्यू होगा, जो भी मैं रिव्यू करता हूँ। जैसे अभी हीरो इलेक्ट्रो का गया तो जो मुझे लगा मैंने वही बताया, मैंने कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया। जैसे मुझे कंफर्टेबल लगी तो लगी, जहाँ मुझे प्रॉब्लम उसकी लगी, जैसे उसमें बैटरी है वो उसकी इंटरनली है तो वो चेंज करना मुश्किल होगा, सो मैंने बता दिया कि वो मुश्किल होगा। मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे सिर्फ अच्छी बातें बतानी है बाइक की, मेरे को उसकी जो कॉन्स हैं वो छुपा के रखने, ऐसा कोई बात नहीं है। सो इस बाइक में जो कॉन्स हैं मैंने आपको बता दिए कि एक तो इसके ब्रेक पैड आपको चेंज करवाने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, इसकी जो वायर्स हैं वो चेंज करवानी पड़ेंगी, और ये हर बाइक में होता है वैसे तो, ये कॉन्स नहीं कह सकते हम, क्योंकि हर बाइक में आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आपको आपकी बाइक स्मूथ चाहिए तो आपको चेंज करवाना ही होगा। एंड प्रो ऑफ दिस बाइक ये है कि इसमें कोई रस्ट नहीं लगा अभी तक, सारे जो पार्ट्स हैं बिल्कुल रस्ट फ्री हुए हैं। टायर्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, वो बिल्कुल पंक्चर प्रूफ हैं एक तरह से। और जो रिम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। जो इसका फ्रेम है बिल्कुल लाइट वेट है। जो हेडसेट है वो बिल्कुल ड्यूरेबल है। जो गियर शिफ्टर्स है काफ़ी स्मूथ हैं, क्लैरिस के हैं। और इस पर प्राइस रेंज में मिलना क्लैरिस काफ़ी मुश्किल हो जाता था पहले तो, क्योंकि 28K में आपको अगर क्लैरिस गियर सेट मिल रहा हो, सो दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट। सो या दीज वर द पॉइंट्स अबाउट माई बाइक जारविस। इसका मैंने वैसे नाम जारविस रखा है, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसका नाम जारविस रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा पार्टनर है, हर राइड में मेरे साथ जाता है, चाहे सोलो राइड हो चाहे ग्रुप राइड हो। सो जारविस और मैं काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं, काफ़ी व्लॉग्स भी बना चुके हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई भी सब्सक्राइबर आके मिलते हैं और वो कहते हैं कि जारविस कहाँ है, जारविस को दिखाओ पहले, तो ऐसा लगता है कनेक्शन सा फील होता है कि उनको पता है कि मैंने इसका नाम जारविस रखा हुआ है। सो इट्स अराउंड 8:30 और अभी हम चलते हैं डीगाथलोन जीरकपुर में, और वहाँ पर मैंने जाके शॉर्ट्स लेनी है जैसा मैंने कहा। तो हम थोड़ा शॉर्ट्स का सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसी कैसी शॉर्ट्स हैं और क्या क्या आप किस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी। और मैंने एक साइकिल कैरियर भी ऑर्डर किया था और वो आ चुका है, मेरे को अभी मैसेज आया, सो उसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा वीडियो में कि वो कैसा है, और जो राइड होगी उस पर भी बता दूंगा कि कितना ड्यूरेबल है। सो अगर वो अच्छा हुआ तो आप ले सकते हो, उसका भी ऑनेस्ट रिव्यू आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मैं वो बता दूंगा, अच्छा हुआ तो वो बता दूंगा। सो आई एम एट डीकैथलॉन जीरकपुर और मैंने लिए अराउंड 30 to 40 minutes यहाँ आने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और अब काफ़ी गर्मी भी हो चुकी है, सो आई एम हैविंग अ बनाना। मैंने 3 bananas लिए थे वहाँ पे, जो पंचकूला के पास अगर आप जाओ ना एक पेट्रोल पंप आता है तो उसके पास ही एक आंटी है, उनका एक वो है एक छोटी सी शॉप टाइप है। सो जब भी मैं उस साइड जाता हूँ तो उन आंटी से फ्रूट्स ले लेता हूँ, जैसे बनानाज या एप्पल, क्योंकि टिम्बर ट्रेल जाना हो या फिर किसी भी जगह जाना हो हिमाचल की साइड तो वो ज़रूर आता है रास्ते में। सो आज मैंने उनसे 3 bananas लिए क्योंकि मैं घर से कुछ भी नहीं लेके आया था आज, जो मेरी एनर्जी बार है वो ख़त्म हो चुकी है। सो गाइस आई फाइनली रीच एट द डीकैथलॉन स्टोर और मैंने अपनी जो शॉर्ट्स है वो सिलेक्ट कर ली हैं, सो आई एम गोइंग फॉर दिस वन। सो गाइस एज यू कैन सी हेयर आर ऑल द शॉर्ट्स, सो हेयर यू कैन सी दिस कम्स फॉर अराउंड 1700 एंड आई एम गोइंग फॉर दिस वन एंड दीज आर ऑफ अराउंड 3000 ऑल्सो।
सो ये वाली शॉर्ट 3000 के हैं। एंड आपको मैं अगर एक चीज़ दिखाऊँ, काफ़ी साइकिलिस्ट को बुरा लगेगा देखकर कि वो मिस कर रहे हैं। अगर आप ये शॉर्ट देखो, दीज आर BRB शॉर्ट्स फॉर साइकिलिंग। ये नॉर्मली हमें मिलती हैं अराउंड 3000-4000, बट आज ये सेल पर है एंड ओनली 4000 rupees। और अगर आप इसकी क्वालिटी देखो, एंड हेयर आर ऑल द जर्सीज। सो ये रेन कवर है जो मैं यूज़ करता हूँ ड्यूरिंग द फॉग ऑल्सो, ये फॉग में भी काफ़ी अच्छा है। एंड दिस इज़ माई जर्सी, द ब्लू राइडर जर्सी, दीज आर द बेसिक वन। सो गाइज, हेयर आर न्यू शॉर्ट्स। सो आने वाली राइड के लिए हमारी सारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द राइड्स। और राइट नाउ आई एम टेस्टिंग माई न्यू माइक कि ये विंड में कितना अच्छा साउंड क्वालिटी देती है हमें। सो आई होप जो साउंड है वो क्लियर हो। आज जो साइकिलिंग सेक्शन है टीका तुरंत का, वो थोड़ा शिफ्टिंग चल रही थी वहाँ पर, तो थोड़ा स्टफ इधर उधर पड़ा था, बट आई हैव टू लुक केयरफुली कि हमें क्या लेना है। यहाँ पर जब मर्जी आ जाओ आप, जिस भी टाइम आ जाओ, आपको ये फील आती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे अब ये एक्सेसरीज लेनी है। मुझे वहाँ पर अब हैंडल बार जो बैग होता है वो लेने का मन कर रहा था, क्योंकि ये जो माइक है उसका जो सेटअप है पूरा रखने की मेरे पास जगह नहीं है। सो मैंने बट एक कैरियर भी ऑर्डर कर चुका है, जो मैंने आपको जैसा कहा कि वो आ चुका है, क्योंकि साइकिलिंग कैरियर काफ़ी ज़रूरी है जब हम लॉन्ग राइड कर रहे हों। हमें अगर पैनियर लगाने हो, हमें अगर जो हमारा स्टफ है, जैसे अगर एक दो दिन की स्टे हो तो हमें सामान रखने के लिए कुछ तो जगह चाहिए होगी। और रोड बाइक है तो इसमें हम ये नहीं कि हम कहीं पर रख सकते हैं, हमें एक स्पेसिफिक कैरियर चाहिए होता है। एंड बैकपैक भी नहीं हम डाल सकते, बैकपैक डालेंगे तो हमें बैक में स्ट्रेन आ सकता है कि कितनी लॉन्ग राइड है। और मेरे बालों की इस टाइम विंड ने अपना न्यू हेयर स्टाइल बना दिया। सो यार, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हेयर। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।